नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। सीमा सुरक्षा बल BSF में जवानों को खराब खाना परोसने की शिकायत करते हुए सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपलोड कर सुर्खियों में आए तेज बहादुर यादव, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयार है। रेवाड़ी के रहने वाले तेज बहादुर यादव को अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए BSF से बर्खास्त कर दिया गया। तेज बहादुर ने एक वीडियो 2017 में सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने सेना के जवानों को जली रोटी और पतली दाल परोसने की बात कही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, पूरे देश में सुर्खियों में रहा। इस मामले में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने BSF से रिपोर्ट मांगी थी। तेज बहादुर शुक्रवार को मीडिया के सामने आए और कहा कि वह वाराणसी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, सेना में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं यह चुनाव लड़ूंगा। मोदी जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं, उन्हीं को देखते हुए मैंने आवाज उठाई थी। जिस वजह से सेना से बर्खास्त हुआ था, उसी को हथियार बनाकर चुनाव लड़ूंगा। BSF के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव के 22 वर्षीय बेटे रोहित ने इसी साल 17 जनवरी को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तेज बहादुर मूल रूप से हरियाणा में महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और फिलहाल रेवाड़ी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।